बेटी, ये गुंडे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे बताओ तो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे मैं समझ गई, सुनो मुझे लगता है कुछ प्रेशर है, इसको हिफाजत से इसके घर पर छोड़ दो। ये लोग तुम्हें घर पर छोड़ देंगे, तुम चिंता मत करना। हाँ बिल्कुल चिंता मत करना। मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोला? ये घर नहीं जाना चाहती, लगता है कुछ परेशानी है इसे। ठीक है ठीक है, कुछ दिनों के लिए ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। हाँ चलेगा ना? माँ अभी ये हमारे साथ इस नहीं। लड़की को देखो, बड़ी घर की लगती है, हमारे घर में रह पाएगी क्या? अच्छा ये बात है। सुनो बेटी, मेरी इडली की दुकान है और घर थोड़ा सा छोटा है, हमारे साथ रह पाओगी ना? हाँ मैं रह लूंगी, पर आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए प्लीज। सुनो दीदी, ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऐसा ना हो इसके चलते हम परेशानी में पड़ जाएं। नहीं, मुझे लग रहा है भाई साहब ठीक बोल रहे हैं। तुम सब कैसी बातें कर रहे हो? अरे इसकी गोद में छोटा सा बच्चा है, ऐसी हालत में इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? इसे यहाँ छोड़ दिया और कुछ हो गया तो हमें पाप लगेगा। नहीं नहीं, मैं इसे अपने घर पर लेकर ही जाऊंगी, तुम लोग चाहे कुछ भी कहो। आओ 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 बेटा, आओ बेटा। फोन करके बता दूं क्या हुआ? उठा लिया क्या? नहीं उठा पाए साहब। क्यों? बस काम होने ही वाला था, पता नहीं कहाँ से वो लड़का आ गया, हम सबको मार के लड़की और बच्चे को उठा ले गया। उठा ले गया? अभी कहाँ हो तुम लोग? सेवियर में है साहब। तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है चलो चलो, चलो चलो में जल्दी चलो। चलिए चलो, चलिए पंडित जी चलो जल्दी बैठो। कैसी हो बेटी? अभी ठीक हो चाचा। ठीक है। हाँ आ गए। आंटी देखो, अरे अपने गांव आ गए। ये बच्चा किसका है? हमारे रिश्तेदार का बच्चा है। रिश्तेदार? ठीक है चलो। अरे रिश्तेदार का मतलब दूर का रिश्तेदार, इसका बच्चा है हमारे घर आए। तू क्या सवाल कर रही है? ठीक है, मंदिर में पूजा पाठ ठीक से सब अच्छे से हो गया। चलता हूं मैं। आंटी मैं आपके घर बहू बनकर आऊंगा। अच्छा खाएगी? जब मैं उसे अपना बेटा ही नहीं मानती तो तुझे बहू कहाँ से बना लाऊं? आप माँ बेटे का झगड़ा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से झगड़ा हो गया है। आप माँ बेटे कभी नहीं सुधरने वाले। ऐसी बात मत करो बेटी, सूरज पश्चिम से उग सकता है पर माँ बेटा ज्यादा तक अलग नहीं रह सकते। तुमने अच्छी बात कही है, सामान जाकर उतार लो गाड़ी से, नहीं तो कोई उठा ले जाएगा। जाओ बिना बोले कोई काम नहीं होता। सुनिए ना, अब आगे कुछ मत बोलना, शाम को घर आके मंदिर का प्रसाद ले जाना। अब जा घर, सारा सामान उतार लिया। चल बेटा घर चलते हैं। चलो ये लीजिए। आ गया सुबह सुबह दुकान में मनहूसियत फैलाना। माँ मुझे भी एक प्लेट इडली दो ना। तुझे यहाँ से कुछ नहीं, अकल नहीं है क्या? कितनी बार कहा है फिर भी बार बार यहाँ आके बैठ जाता है। अच्छे से कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। भाभी क्या भाभी, वो आपका इकलौता बेटा है और आप? माँ आपने देखा नहीं अभी भाई आए थे। तुझे घर पर कोई काम नहीं है क्या? चल अंदर जा काम कर, जो देखो मुझे सिखाता है। क्या भाभी ये क्या कर रही हो, खुद के बेटे को ही भूखा भगा दिया। ए, चुपचाप अपना काम करो वरना इस उम्र में दर दर भटकना पड़ेगा। जाओ। तो आप उसे अपना बेटा ही नहीं मान रही हो? अरे ऐसी क्या गलती हो गई उससे, किसी का खून तो नहीं किया ना? बेटा 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 रुक जाओ बेटा, अपनी माँ का स्वभाव तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। खैर छोड़ो, ये लो बेटा मैं इडली लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए दादा, मैं अपनी माँ के हाथों वहाँ खाना खाने गया था। अनजान लोग मेरी माँ के हाथों का बना खाना वहाँ खा रहे हैं, लेकिन मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो माँ मेरे साथ ऐसा करती है? आखिर मेरा कसूर क्या है? माँ कब तक ऐसा व्यवहार करेगी? फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ तुम्हें वापस घर बुला लेगी। रात चाहे कितनी लंबी हो, सवेरा तो होता ही है ना, अभी तुम्हारी माँ गुस्सा है लेकिन एक दिन तुमसे वो जरूर प्यार करेगी, सब ठीक हो जाएगा। काश आपकी बात सच हो जाए, मैं चलता हूँ। इतने सुखी परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। हे ऊपर वाले, अब तू ही इस परिवार की रक्षा कर।
ऐसे ही डरा गया। एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारा मन ठीक नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो सिनेमा, पार्क और रूम। क्या सॉरी बाबा, वो जबान फिसल गई थी मेरी, डैम कहने वाली थी मैं। तो फिर ठीक है। ऐसी क्या बात है, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ हमेशा तुम्हारा मुँह फूला हुआ रहता है। ऐसी क्या परेशानी है तुम्हारी, बोलो तो सही। ओहो, I love you, बाबा। मैं भी तुम्हें लव यू कहूँ, यही चाहती हो ना तुम? पहले तुम मेरी माँ को मना ताकि वो मुझसे बात करे, फिर जाके मैं तुम्हें आई लव यू कहूँगा, ओके? पहले तुम्हें मना लूँ फिर उसके बाद आंटी को मनाऊंगी, ये सोचा था मैंने। पर तुम चाहते हो कि पहले आंटी को मनाऊँ तुम्हें बाद में। ओके, मना लूंगी। पहले तुम वादा पूरा करो, उसके बाद देखूंगा। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है, चलो। सुन बेटी, सांबर के लिए कड़ी पत्ता और बाकी मसाले तो है ना? कड़ी पत्ता नहीं है माँ, बाकी सब मसाले हैं। ठीक है, तब तो मंगवाना पड़ेगा। आंटी,
आ गए धरती पर बोझ। पढ़ाई कर रही हो आंटी? नहीं नहीं एग्जाम दे रही हूँ मैं, है ना? तू भी ना? घर और दुकान के लिए क्या क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना रही हूँ। आंटी आंटी क्या है, मार्केट में जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए क्या? तो फिर इतना मस्का क्यों लगा रही है? क्या है ना आंटी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, प्लीज आप उसका जवाब दोगी ना? ठीक है बोल, क्या सवाल है पूछ, जवाब दूंगी। वो ऐसा है कि अगर आप अपने बेटे को माफ कर दोगी तो वो मुझे अपना लेगा, प्लीज आंटी उसे माफ कर दीजिए ना। सामने देखो कौन आ रहा है। अरे लक्ष्मी बिटिया कहाँ जा रही हो? वो हम कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहे हैं। अरे उसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत है, मेरे पास भी तो कपड़े हैं ना। आपके पास अच्छे कपड़े हैं क्या? आपने जितने कपड़े गांव वालों को बेचे उन्हें पहन के निकल भी नहीं पाते हैं। अरे मैंने ही तो फैशनेबल कपड़े दिए थे। आपने जो कपड़े दिए थे वो फैशनेबल नहीं थे, वो सारे के सारे अनजेलेबल कपड़े थे। क्या तुम हमेशा मजाक करती रहती हो। अच्छा ये बताओ ये तुम्हारी गोद में बच्चा किसका है? ये इसका है, आप फालतू बातें मत करिए, चलिए जाइए। चलो हम भी चलते हैं। चलो ना गले में मंगल सूत्र है और ना ही मांग में सिंदूर है, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है, आज अपना मोटू नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं यार, पीछे देख कौन आया। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ हो? वो क्यों? मैं तुम्हारे घर गई थी माँ से बात करने के लिए कि वो हमारी शादी के लिए मान जाए तो? और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। पता नहीं कब तुम्हारी माँ तुमसे बात करेगी, कब हमारी शादी होगी, भगवान जाने ये सब कब होगा। क्यों? क्योंकि पहले की तरह तुम्हारी माँ पता नहीं कब तुम्हें प्यार करेगी। अगर मेरी माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की ना तो तुम भी मुझे भूल जाना। तुम्हारी माँ को समझाओ तो वो मुझे मारती है, यहाँ तुम मुझे मार रहे हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे जा। यार तुमने क्यों मारा उसे? अरे यार तुमने उसे ऐसे क्यों मारा बेचारी को? ए, वो तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती है। एक बात बोलूं यार, मैंने इसका प्यार पाने के लिए इसके बाप की नौकरी की थी, लेकिन वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, बात समझो यार। ए, तो मैं क्या करूँ यार, मैंने उसे कितनी बार समझाया लेकिन वो मेरे पीछे पीछे घूमती है, अब वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात नहीं है यार, अगर कल मर मरा गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हे, जो पसंद नहीं उसे जबरदस्ती प्यार करूँ क्या? ए, बंगाली मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ ना, अब इस बात को यहीं खत्म कर दे। देख तेरी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपने गाँव में ना फिर से उस चंदा जैसा कांड नहीं होना चाहिए। ये आ गया बंगाली बाबा ज्ञान देने के लिए। देखो ऐसी मुंह और मसूर की दाल, इस अनपढ़ के साथ रहोगे ना तो एक दिन ऐसे ही गंवार हो जाओगे। खुद अनपढ़ है, मुझे अनपढ़ कह रहा है बेवकूफ कहीं का। खैर छोड़, उसकी बात पे ध्यान मत दे। अरे भाई शंभू, हमारी जिंदगी का क्या हाल हो गया? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है, पर मेरी जिंदगी में तो उतार ही उतार है। अरे शान मत हो, आज हम साइकिल से चलते हैं, कल बाइक से चलेंगे, परसों गाड़ी में चलेंगे, उसमें क्या है? अरे मैं पहले गाड़ी में ही घूमता था, अब साइकिल पर आ गया हूँ यार। यही हाल रहा तो पैदल चलेगा। नहीं नहीं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। वहाँ देख वो देख, ये इडली वाली इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? उसके घर में कोई गड़बड़ चल रही है, पक्की खबर लाया हूँ। क्या है? उसके घर में एक लड़की बच्ची के साथ रहने आई है। और जानते हो उसकी वजह कौन है? जय तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। इतना काफी है, इतना काफी है, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। क्यों बहन जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है भाई। आजकल गांव के लोग तुम्हारे परिवार के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे हो तुम किस्मत वाली, एक ही बेटा है, उसकी शादी कर देती तो उसमें कितना खर्चा लगता, टेंट वाला, बैंड वाला, खाने का खर्चा, रिश्तेदारों का खर्चा, ये सब खर्चा बचाने के लिए तुम गाय के साथ साथ बछड़ा भी लेकर घर आ गई। मानना पड़ेगा कितनी समझदारी से काम किया है तुमने। अगर यह बच्चा हॉस्पिटल में होता तो ऑपरेशन के लिए लाख दो लाख का खर्चा तो होता, वो भी बचा लिया तुमने। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं हुई है। तो सुनो, होगी भी नहीं, क्योंकि तुम जो घूम घूम कर साड़ी बेचने के नाम पर सबकी चुगली करते हो ना, तो तुम्हें कोई लड़की देगा भी नहीं। आखिरी वक्त तक शर्म नहीं आती माँ और बच्चे पर इल्जाम लगाते हुए? सुन लो, वो मेरे बेटे के कुछ भी नहीं लगती है। सुना था आज के बाद सुनी सुनाई बातें की ना तो पत्थर से ना सर फोड़ के तेरी जान ले लूंगी, याद रखना। हाँ रास्कल, कपड़े बेचने वाले अपनी शक्ल देखिए कैसे है, मेरी दुकान की तरफ। अरे यार क्यों बेकार में पंगा ले लिया उस औरत से, कितनी बात सुना गई वो। धंधे में सब कुछ चलता है। अरे धंधे के नाम पे क्या क्या सुना के गई है वो तो सोच। अरे हमारे धंधे में रोज औरतों से डांट खानी पड़ती है, उसका मजा ही अलग है।
कोई भी नहीं बचना चाहिए। तुम लोग क्या और कैसे करोगे ये मैं नहीं जानता, बस अगले 24 घंटों में वो मेरे सामने होने चाहिए। मैं अपने हाथों से उन सब के टुकड़े टुकड़े करूंगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इस फोटो को गौर से देखो, तुमने कहीं से देखा है? जी नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं देखा? चले यार। इसे पहचानते हो क्या? नहीं देखा। काश उस दिन की तरह आज भी जय यहाँ आ जाए। आज तो उसे छोड़ूंगी नहीं। कुच्ची कुच्ची रख माँ पास आओ ना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे दो ना, सारा जहाँ सो गया। क्यों माला ना करा रही हो? मैं तो आइसक्रीम खा के आ रही हूँ, पता नहीं चलता। तुम्हें रोज आइसक्रीम खानी चाहिए, क्योंकि बाद में नहीं खा पाओगी ना। क्यों? प्यार में दिल टूटने के बाद भूख नहीं लगती है, इसीलिए अभी जो कुछ भी पसंद हो वो सब कुछ खा लो। मुझे समझा रहे हो? अरे तुम तो एकदम ना समझो, आज के जमाने में लड़कियाँ पहले सब कुछ कर लेती हैं, उसके बाद शादी करती हैं। बात क्यों घुमा रहे हो, साफ साफ बोलो। मैं बात को नहीं घुमा रहा हूँ, जय की माँ के घर में जो लड़की रहने आई है कौन है जानती हो? वो जय की बीवी है और बच्चा भी जय का है। मेरे जय पर तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो? नमक जैसा है। तुमने मुझे गुस्सा मारा ना। एक मिनट मेरी बात सुनो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो जय की बीवी है तेरी तो। क्या बात है यार, आज तूने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई है, मुझे भी एक दिलाना यार। तूने मुझसे कुछ कहा क्या? अरे यार मैं तब से तुझसे ही बात कर रहा हूँ। सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा था तूने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, मुझे भी एक दिलाना यार। हे, तू मुझसे ही बात कर रहा है? हाँ यार, अभी तो तेरे से ही बात कर रहा हूँ। सॉरी यार, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। तूने तो बहुत अच्छी शर्ट पहनी है यार, मुझे भी दिलाना। क्या हुआ यार, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, साफ साफ बोलना तुझे क्या कहना। अरे जा यार, तेरे जैसे दोस्त से अच्छा दुश्मन पाल लूंगा मैं। ये लो, ये तैयार है। लो वो बैठा है, उसको दे दो। सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना। वैसे तो ये तुम्हारे घर का आपसी मामला है, पर बुरा नहीं मानना, क्यों तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई से बात नहीं करती? इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानती। मैंने भी कई बार माँ से और भाई से पूछने की बहुत बार कोशिश की, पर दोनों ने कभी इस बात का जवाब ही नहीं दिया। पर मैं एक बात जानती हूँ कि जब तक मेरे भाई इस घर में थे, इस घर में बहुत खुशियाँ थी, पर जिस दिन से भैया ने घर छोड़ा है, मानो खुशी भी हमारे घर से चली गई है। खैर तुम छोड़ो, इन सब बातों से क्यों परेशान हो रही हो? तुम पहले से ही थी परेशान हो, और क्यों परेशान हो रही हो? देखो बच्चा रो रहा है, जाओ चुप करो। ए भाई, हाँ? देखो जय आ रहा है। ये क्या भाई, तुझे हम लोगों ने इतना मारा, फिर भी तेरी माँ ने थोड़ा भी रिएक्ट नहीं किया। छोड़ना यार। अरे कोई अनजान आदमी को भी मारता है तो लोग बीच में आ जाते हैं, लेकिन हम तुम्हें मारते रहे और तुम्हारी माँ ने तेरी तरफ देखा तक नहीं। ए,
मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत कहना। कोई अनजान आदमी भी मार खा रहा होता है ना, तो इस तरह कोई चुपचाप देखता नहीं है। hey, मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी माँ के सामने मार खाऊंगा तो वो मुझे बचा लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मदद करने के लिए थैंक्स यार। hey, दोस्ती में थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है यार, चलता हूँ। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है जैसे इसकी माँ कर रही है। बेचारा बहुत बदनसीब है यार। सुनो यार, तुम इसी गांव में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, सारी जिंदगी यहीं गुजार दी। उम्र गुजार दी मतलब? माने कि बिजनेस करते हो, पूरे गांव में तुम्हारी इज्जत है। हाँ। बस एक आदमी तुम्हारी इज्जत नहीं करता है। कौन है वो? वो जय। वो तो देखा, सच बात थी, लग गई ना। हाँ, तो ठीक है, मैं क्या करूँ? सीधे सीधे जाओ आमने सामने, फुल एंड फाइनल कर दो बस। एक बार मैं भी उसके सामने गया था और सीधे सीधे फुल एंड फाइनल करके आया था, लेकिन वो शनि है ना जय, उसको कुछ नहीं किया था। लेकिन अगर गुस्सा आ गया और मैंने दारू पी ली ना, तो सबको काट डालूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तुम मारते हो या काटते हो? हाँ। ये मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। देखना चाहता है ना? हाँ। देखना चाहता है ना? चल दिखाता हूँ। देखते हैं। अरे मार क्यों रही है तो बताओ। अरे पागल हो गए क्या? मार क्यों रहे थे? ये तो बोल रहा था। अरे तू हमेशा गलत आदमी को छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। क्या चला गया? दिख नहीं रहा है वो। वो देखो यार, बात सुन, तुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए। यार मैं भी बात करना चाहता हूँ, मैंने कोशिश भी की लेकिन वो मानती नहीं है। अरे अरे, तो हमेशा गलत आदमी को दिखाता है और मार खिलाता है। नहीं, ये पक्का है ना? पक्का है ना? पक्का। तो ठीक है, चल तू कसम खा। कसम खा। माँ की कसम खा। माँ की कसम। बहन की कसम खा। बहन की कसम। अरे दूसरी पत्नी की कसम खा। पत्नी की कसम। अब ठीक है, अब मुझे तुझ पर यकीन है। चल संभल के, संभल के। अरे ये क्या हो रहा है? मैं कौन हूँ? क्या बात है बेटा, क्यों रोका? इस लड़की को देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? मुझे नहीं पता, नहीं जानता हूँ। चल भाई। क्या हुआ यार? सुबह से पेट में बहुत गड़बड़ है भाई। क्या खाया था? दो प्लेट बिरयानी खाई थी बस भाई। अबे वो भुक्कड़, तूने दो प्लेट बिरयानी खाई? अबे मैं तो कह रहा हूँ तेरे पेट में नहीं, पूरे शरीर में दर्द होना चाहिए। भैया चलो घर चलो। मैं नहीं आऊँगा। कह रही हूँ ना घर चलो। मैं नहीं आऊँगा। तुम तो माँ का गुस्सा जानते ही हो ना, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। भैया घर चलो ना। मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ। माँ तुम्हारा नाम लेने से ही भड़क जाती है, ऐसी क्या गलती कर दी है तुमने? मैंने कोई भी गलती नहीं की है। सुनो दोस्त, बहन बुला रही है ना भाई, घर जाओ। कब तक तुम घर से बाहर रहोगे भाई? ए, तुझे समझ में नहीं आता क्या? वो वहाँ जाएगा तो और प्रॉब्लम होगी। वही तो यार। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ भैया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं हमेशा की तरह बाहर खा लूंगा, तुम जाओ। मेरी बात तो कभी सुनना ही मत। अरे सुनो तो बेटा, दिख जाएंगे तो काट ही डालूंगा। बारिश होगी, घर से धंधा भी नहीं हुआ। यहाँ बैठे ये दोनों। रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे उस दिन दारू के नशे में मैंने गड़बड़ कर दी थी। दारू के नशे में कभी अपने
बाप को मारा क्या या इसे मारा है? मुझे क्यों मारा पहले ये बता। दारू के नशे में मैंने मार दिया था, अब क्या करूं यार, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? आईडिया आया मुझे, जब बचपन में कोई मारता था तो मेरा बाप उसे 50,000 रुपए लेके माफ करता था। लाओ 50,000 रुपए दे, 50,000 रुपए दे। 50,000 रुपया मैं कहां से लाऊं? साड़ी बेचूंगा तो भी 2,500 से ज्यादा नहीं पाऊंगा। 500 साइकिल के, 3,000 ले जा, 3,000 ले जा। 3,000 भीख मांगा तुम? जाएगा मुझे भी देने वाली दे। नहीं नहीं, ये मेरी माँ की आदत है। मैं निकल ले, जा निकल ले, निकल ले, माजी घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो मार्केट गई हैं। मार्केट गई हैं? क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। वो मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती किया है। 40,000 रुपए जमा करने हैं। माँ की जान खतरे में, इसलिए माजी से पैसे लेने आया था। पता नहीं माजी कब तक आएंगी वापस। मैं चलता हूँ। अरे अरे, एक मिनट रुको। ये लो, जितनी जरूरत है ले लो। पिन नंबर 5211। 5211 ना? अब बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। क्या हुआ, भूख लग रही है क्या? तुमने खाना नहीं खाया? आंटी को आने दो। सुनिए, माँ की ऑपरेशन के लिए जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ माँ, अभी ठीक है। मैं आपका कार्ड वापस करने आया था। थैंक यू। ठीक है, चलता हूँ। एक मिनट। हाँ? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई तो तुम इतने परेशान हो गए, पर जय तो माँ से बात ही नहीं करता, क्यों? दरअसल उसने किसी को भी बताने के लिए मना किया है। तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आपने मेरे बुरे समय में मदद की, मेरी माँ की जान बचाई, इसलिए बताता हूँ। वो उस दिन। नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है ना? नमस्कार। नमस्ते। ठीक है ना? हमारी बच्चे की पढ़ाई इसी साल खत्म हो रही है। बड़ी मुश्किल से इसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करवा दी। अब इसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, बताओ क्या कहती हो? अगर आपको लगता है रिश्ता अच्छा है तो आप बात करके फैसला कर लीजिए ना। लो, जय भी आ गया। आ बेटा। क्या बात है बेटा जी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी बहन के लिए अच्छा रिश्ता आया है, तू क्या कहता है बेटा? आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? ये बात लक्ष्मी से ही पूछिए ना, उसके लिए ज्यादा जरूरी है। और तुम क्या कहती हो बेटी, तुम्हें कोई और लड़का तो पसंद नहीं है? उसी के साथ शादी करवा दूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहाँ ठीक समझे तय कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने और तुम्हारी माँ ने लव मैरिज की थी। मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ बेटी, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी और को चाहती हो और दिल पे पत्थर रख के किसी और से शादी कर लोगी तो जिंदगी भर कभी सुखी नहीं रह पाओगी, ये मैं नहीं चाहता। अरे रे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो किसी से प्यार नहीं करती, आप जाइए ना। यही हाँ। ठीक है। साहब जी संभाल के। साहब जी आप मत पिया कीजिए, गांव वाले सब कितनी इज्जत करते हैं आप। जब आप पी लेते हैं तो गांव वाले आपसे डरते हैं। आपका ये शराब पीना जरूरी है क्या? आप छोड़ दीजिए साहब। क्या बकवास कर रहा है, चुप रहना। साहब जी यही बात आपके बड़े बच्चे आपसे कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। साहब जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मत पीजिए। साहब जी संभाल के। साहब जी I'm gonna go.
सारे गांव की बहू बेटियों की इज्जत करना सिखाता था, आज उसने अपनी सगी बेटी को बुरी नजर से देखा। ऐसी गलती हुई है मुझसे, मैं पापी हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। इस शराब ने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। कॉफी पी लीजिए। सुनिए ना, उठिए, सुनिए, अजीब, ये क्या हुआ? ओरे ओ पंछी तोड़ चला पिंजरा तुरे का करके मन का सुना जहां। ओरे ओ पंछी तोड़ चला पिंजरा तुरे का करके मन का सुना जहां। अरमा सभी छोड़ करके सबके नैनन में आंसू भर के आशा से बड़ी आस करके मन को आहत यूं आज करके उड़ गए बेरहम जाने तुम कहां। ओरे ओ पंछी मोड़ चला ऐसे मुँह कहां करके मन का सुना जहां। मन की बातें सुन के बंदिया मन की शांति तूने गवाई। अरे माया में फंस कर भावरा भाप सका ना जान का खतरा। मन नहीं ये कोई मान दायरा आ, आ,
मन नहीं ये कोई मान दायरा, मन की ही करता मन ये बाबरा। बस ये सब हुआ था, चलता हूँ मैं। इडली का आटा मिर्ची पाउडर ले लिया है ना? हाँ, ले लिया है। अच्छा और क्या है, संभल कर चलना। ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ मेरी बात सुनो, उससे बात करो। माँ मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात समझो। माँ मैंने कुछ नहीं किया। इसे बोलते कि मेरे नजरों से हट जाए, जाए यहाँ से। हट करो, छोड़ दो। इसे बोलते हैं मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ गलती नहीं किया। मुझे बात करो माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। माँ भैया को एक मौका तो दो, एक मौका तो दो, तुझे तंग मत करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो माँ? भैया ने ऐसा क्या कर दिया? अब जाओ माँ, प्लीज माँ, माँ जाओ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मुझे जानती है तू। हाँ आंटी, आज तूने बड़ा मस्त कपड़ा पहना है। उस दिन मैं तुमसे कह रहा था कितनी अच्छी शर्ट पहनी है, मुझे भी दिला दो। सुना नहीं? अरे जब मैं मार्केट जाऊंगा तो लेते आऊंगा ना। नमूने आ गए। कल तुमने हमें बहुत मारा था ना, अगर तू असल मर्द है और अपनी माँ का दूध पिया है तब सामने आ। अगर तुझे दम है ना तो इससे मुकाबला करके दिखा। मेरी कॉलर क्यों पकड़ रहा है? इससे मुकाबला करके दिखा। अरे नहीं नहीं मैं नहीं, मैं नहीं। इससे किधर गया? इससे 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 लड़के दिखा। आना यार भैंसा लड़। अरे आना, अरे लड़ना, अरे मैंने पहले ही मना किया था कि तू जय से मत टकराना, लेकिन इसने मुझसे कहा कि मैं जय को पटक पटक के मारूंगा, भगा भगा कर मारूंगा, सबक सिखा के रहूंगा। इसने और इसने कहा था। तूने कहा? मैंने चड्डी भी नहीं पहनी है। क्या है बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया तुमने। मैंने चड्डी भी नहीं पहनी हुई है बेटा, मुझे जाने दो बेटा। चल निकल यहाँ से। भागो नहीं तो बीच रोड पर नंगा कर देगा। मुझे भी पहनने जाने जाओ। मैं तुझे बात कर दूँगा। लोग सावधान रहना रे। भाई दुकान वाले भाई, जरा इधर आना। बताइए भाई साहब, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। चल रहे। हाँ
जरा यहाँ आइए। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? साहब नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। ए, चल रहे साहब, इस लड़की को देखा है क्या? हाँ देखा है ना। कहाँ पर देखा है? स्ट्रेट जाके लेफ्ट ले लीजिए, भरतपुर नाम के गांव में एक इडली वाली के यहाँ ये लड़की रहती है, वहीं जाकर पूछ लीजिए। ए गाड़ी बढ़ा। कितनी बार इडली वाली के बेटे से मार खाया, आज बदला ले लिया मैंने। मुझको मौका मिला, मैंने बदला लिया। भाई यहाँ मत करो भाई, ये वही लड़का है भाई। भाई जब हम लड़की उठाने गए थे ना, तो इसने हमें बहुत मारा था और लड़की को बचा लिया था। अरे तू बहुत डर रहा है। भाई आप जो भी कुछ कहो, पर मेरी बात मान लो, यहाँ मत उतरो। आप कहोगे तो साहब से खुद फोन पे बात कर लूंगा भाई। अच्छा ऐसा है? हाँ भाई। गाड़ी पीछे ले। मिल गई है साहब। मिल गई क्या? हाँ साहब, भरतपुर गांव में मिली है। बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा है साहब, आप जल्दी से वहाँ पर आ जाइए। वेरी गुड, मैं तुरंत आता हूँ। ए जल्दी से भरतपुर की तरफ चलो। हम लोग यहीं पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। हाँ हम जल्दी आते हैं। ए गाड़ी तेज भगाओ। अरे तेज चला गाड़ी, जल्दी कर। तूने अच्छे से भगवान के दर्शन कर लिए ना? अरे मंदिर अच्छा है ना? अच्छा अच्छा। कैसी हुई ये बताओ? ठीक हूँ भैया। भैया ये मेरा बेटा है और ये तेरे मुँह बोले मामा। मुझे बहुत खुशी हो रही है इसे देखकर। तुमसे मिलकर कितने साल हो गए, पर तुम यहाँ कैसे? बहना हा? मैं अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ चला आया। ये तुम्हारी बेटी है? बहना ये तो हमें मालूम ही नहीं था। पर भैया तुम्हारी बेटी इस बच्चे के साथ कैसे, क्या हुआ? वो क्या है कि ये लड़कियाँ बड़ी होती है ना, तो माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम होती है। इनको चाहे जितने भी कंट्रोल में रखो, ये प्यार व्यार के चक्कर में बढ़ी जाती हैं। चुप हो जाओ यार। हाँ। प्यार में पैसा जमीन जायदाद नहीं देखते। हाँ। मन से होता है प्यार। हमारे पास मन नहीं था क्या? हमारे जमाने में माँ बाप की बात। नमस्ते क्या बात है भाई, कोई खास बात? साहब अपनी जमीन जायदाद और इज्जत के साथ इतने सालों से गाँव में रह रहे हैं हम, तो अब क्या हुआ? साहब ये मेरी इकलौती बेटी है, इसकी मैं शादी अच्छे घर में करना चाहता था जहाँ पर ये हमेशा खुश रहे। साहब अगर मैं अपनी बेटी की शादी इस निकम्मे से करूंगी तो मेरी बेटी जिंदगी भर परेशान रहेगी। अरे क्या परमेश्वरी, तुम इसे निकम्मा क्यों कह रही हो? लड़का पढ़ा लिखा है और इसे तुम्हारी लड़की भी पसंद है, ये अपनी पत्नी को सुखी रख सकता है। चलो मैं लड़की से ही पूछ लेता हूँ, बताओ तुम इस लड़के से शादी करना चाहती हो? जवाब दो। सोच समझ कर जवाब देना बेटी। मुझे मंजूर है। बढ़िया, लड़की को लड़का पसंद है, अब तुम बताओ तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं? देख बेटा, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, अच्छी तरह सोच समझ के हाँ बोलना। बहन जी आप शांत रहिए। साहब जी मैं सारी जिंदगी इस लड़की को सुखी रखूंगा,
इसे पलकों पर बैठा कर रखूंगा। वाह क्या बात है, लड़के को लड़की पसंद है और जिंदगी भर सुख से रखेगा ऐसा बोल रहा है वो, फिर तुम इतना क्यों परेशान हो? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अरे मैंने तो सही बात कही। हाँ साहब। साहब अगर बच्ची गलत रास्ते पे चल पड़े तो हम बड़ों को सही राह दिखानी चाहिए उनको, और आप है कि उनको समझाने की बजाय उन्हीं का साथ दे रहे हैं। आपके घर में भी तो दो बेटियां हैं। मैंने बच्चों को सपोर्ट किया इसलिए बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से इसकी शादी करवा दी और वहाँ पे ये सुख से नहीं रही, वापस मायके आ गए, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? अरे ये सब पुरानी बात है, इन्हें भूल जाओ। अगर इन दोनों ने जवानी के जोश में आके कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपकी बात सही है साहब, आपने जो भी फैसला किया है वो मुझे मंजूर है। हाँ। चलो ये तो मान गए, अब आपकी क्या राय है? साहब आपने जो फैसला किया है हमें भी मंजूर है। चलो ये लोग तो मान गए, आप लोग वेरी गुड, अब आप लोग आपस में बैठ के शादी का मुहूर्त निकालिए। बहुत दिनों से अच्छी दावत नहीं खाई है। अरे देर क्यों कर रहे हैं, जाइए और तैयारी कीजिए। सब ठीक हो गया ना? पैदा होने के बाद तुम न मरोगे तो धरती पे हमें जगह कहाँ मिलेगी? बेटा क्यों हम बुजुर्गों को इस तरह से तंग कर रहे हो? हम पर रहम करो बेटा। रहम करना चाहता हूँ और रहम करूँगा भी, पर तुम डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर रहे हो। साइन करके हम पर रहम क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे जाने के बाद हम अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दान कर देंगे। मैं भी अनाथ हूँ, यहाँ खड़े सभी लोग अनाथ हैं। हमारे नाम लिख दो, तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं तो तुम मान ही रहे हो। बैंक का ढक्कन खोल के इनको दे, दस्तखत करो यहाँ पे। ये पकड़ लोग हैं, शांति से। ए तुमसे कहा ना गुस्सा नहीं होना है, हमेशा गुस्सा करते रहते हो, और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ ये लो साइन करवा। हाँ ठीक है सर। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। जानकारी है जमीन ज्यादा, साइन करो। चलो बर्बाद हो जाएंगे, कैसे जिए? तुम भी जाओ। ठीक है सर। हाँ तुम इधर आओ, यहाँ साइन करो। करना तुम भी करो। अब पीछे साइन करो। ये लो बेल लो, साइन करो। तुम यहाँ तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा। ये लो कर। हो गया, जाओ। ये सब करेक्ट है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है परमात्मा, शाम को घर आ जाना। हो गया सर। हाँ सब हो गया। हाँ ठीक है चलो। ले लो। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं बचा। अरे अब हम लोगों का क्या होगा? बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? साहब काम हो गया? हाँ हो गया हो गया, चलो। हाँ अरे तुझे कीड़े पड़ेंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे कुछ नहीं। अरे हम लोग बर्बाद कर दिया, आ जाएंगे। अरे भाई बोल क्या? सरकारी पार्क का आधा हिस्सा हड़प कर दीवार बनवा दी है। हाँ। और बाकी का जो काम बचा है वो अपने लड़कों को कह दिया है। कॉरपोरेशन की जगह पे कब्जा करना या दीवार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम पे कराना बड़ी बात है। अभी उस पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आराम से हजम करेंगे। अरे भाई भाई भाई, 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 भाई क्या हुआ रे भाई? हम लोग स्कूल पे जो कब्जा करने गए थे ना, पांडे ने हमें मार के भगा दिया। वो क्या हुआ? महेंद्र पांडे के आदमियों ने हमें मार के भगा दिया। अभी वो कहाँ? वही पार्क के पास खड़ा है। चलो गाड़ी निकालो। हाँ। चलो हाँ जल्दी करो जल्दी। वो जानता नहीं उसने किस पर हाथ डाला है। चलो चलो थोड़ा सा जल्दी करो। ए कुटी। हाँ हाँ भाई से बुला कर लाओ। हाँ ए भाई तुमको बुला रहे हैं। ए उसे बोल मैं बुला रहा हूँ, चल जा। Yeah.
उसने मुझे खुलेआम धमकी दी है, उसमें कुछ तो बात है भाई। अभी इतना उड़ रहा है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। पर आप कहा कह दो उसे यहाँ लाके आपके सामने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए, ये काम इतना आसान नहीं है, वो अलग तरह का आदमी है, मौका देखकर मारना पड़ेगा। अरे एक आदमी ही तो है क्या भाई, आप भी गन खोपड़ी पे लगा के फायर करूंगा ना तो मरेगा ही ना। बोलिए आप, बोलिए बोलिए ना। कौन तुम? उसे मारोगे? तुम्हारी खोपड़ी पर गन रखी थी उसने, अगर तुमने लापरवाही नहीं की होती तो मैं उसे उसी समय मार देता, वहां उसकी लाश पड़ी होती। आहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अच्छा, उस वक्त मैं इधर उधर ध्यान नहीं दिया, अभी क्या करना है भाई ये बोलो, अभी अभी बोलो क्या करना है। पहले ही तुम्हारे नाम पे 2-3 मर्डर केस हैं, अब और नहीं चाहिए, कहा ना मैं उसे देख लूंगा। आओ परमानंद, जो कहा था वो कर दिया? हाँ साहब, आपकी बात कभी मैंने टाल लिया क्या? हाँ। वो जगह महेंद्र पांडे की बड़ी बेटी कविता के नाम पर है। ओ ये बात है? हाँ। तब ठीक। हाँ ठीक है साहब। हाँ हाँ जाओ। भाई लड़की का मामला है ना, मैं संभाल लूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तू मेरी सारी बातें मानता है, पर लड़की के मामले में तू मेरी बात नहीं सुनता। जा पर लापरवाही मत करना, बैठा के आ जाना। Hi, how are you? हाँ मैं बस पहुंच ही रही हूँ। नमस्ते नेताजी। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे आओ इंस्पेक्टर, हवा किस तरफ की चल रही है? अपने एरिया में एक नया एसीपी आया है। ठीक है, घर ले आओ उसे, जो मांगेगा दे देंगे। आप जैसा सोच रहे हैं वो उस टाइप का बिल्कुल नहीं है, न्याय कानून डिसिप्लिन लॉ एंड ऑर्डर मानने वाला एक सख्त ऑफिसर है, डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा अच्छा, है। अच्छा, वहाँ पे हाथ डालेगा? हा? सिर्फ इतना ही नहीं नेताजी, उस एसीपी ने आते ही सारे बड़े अपराधियों की लिस्ट बना रखी है, कितने लोगों को अंदर करना है, कितने का एनकाउंटर करना है, सबकी प्लानिंग कर ली है उसने। एनकाउंटर में पहला नाम किसका है पता है? आपके भाई का नाम है। ऑर्डर मिलते ही एक मिनट के अंदर आपके भाई को शूट कर देगा वो। शूट कर देगा? मेरे भाई को शूट कर देगा? नेताजी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, कोर्ट है और कानून है, अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने भाई को अंडरग्राउंड कर दें तो बच जाएगा। क्या कहा? उस एसीपी के डर से अपने भाई को अंडरग्राउंड करवा दूं? थोड़े दिनों की तो बात है नेताजी, मामला शांत होने तक रुक जाइए, उसके बाद आप उसका ट्रांसफर करवा दीजिएगा, आपके लिए आपका भाई इम्पोर्टेंट है। ठंडे दिमाग से सोचिए नेताजी, मैं चलता हूँ नेताजी, चलता हूँ भाई। ये मामला शांत होने तक नगर कोई चले जाओ। भाई आप इसकी बात मानकर? सुन, पुलिस वाले बिल में छुपे सांप की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कब डस लेंगे, मेरी बात मान जा। भाई, मैं वो अकेले जाकर क्या करूंगा? अपने साथ कुछ लड़के ले जाओ। उन्हें ले जाकर क्या करूंगा? क्या? मुझे किसे लेकर जाना है? मैं जाऊंगा। किसे लेकर जाओगे? सरप्राइज। ए, पुलिस वाला तुम्हारे एनकाउंटर की बात कर रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो? भैया ये कविता महेंद्र पांडे की बेटी है? महेंद्र पांडे की बेटी कविता। कविता पांडे जी की बेटी? हाँ। ओ ये बात है। हाँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी ठीक हैं। हाँ। जाओ इसे लेकर जाओ, खाना वाना खिला दो। ठीक है चलो। बारे में भैया और तुम्हारे पिताजी को पता चल गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन तो पहले से ही, और अब न जाने। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे पिताजी के पैर पकड़कर विनती की,
उन्होंने कहा कि एक भाई हमारा दुश्मन और दूसरा मेरी बेटी से प्यार करने की जरूरत कर रहा है। मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे लात मार कर भगा दिया। पिताजी, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। वो तो सभी प्यार करने वालों को सपोर्ट करते हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो हम दोनों को भी मिला देंगे। ये तो मानी नहीं गई। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है ऐसा लगता है। ऐसी बात नहीं है करण, अगर भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे साथ आती क्या? मैंने अपने प्यार के लिए अपने पिता समान भाई को छोड़ दिया, पर तुम अपने पिता को छोड़कर आने को तैयार नहीं। इतना सोच रही हो तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। करण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चले जान, चल। नमस्ते साहब। हाँ साहब, कोई जरूरी काम था क्या? हाँ हाँ हाँ। वो क्या है, मेरी बेटियाँ कहीं भी जाती हैं मुझे बता के जाती हैं। कल से बड़ी बेटी कहाँ गई कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने अपने लड़कों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। इस मामले में आप ऑफिशियली के अलावा पर्सनली कुछ करें तो मेहरबानी होगी। आप भी ना साहब, ये हमारे घर का मामला है, आप जरा भी चिंता मत कीजिए साहब। लड़की कहीं भी होगी उसे ढूंढ कर लाना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जो भी हो। किसने किडनैप किया होगा साहब? आपको किसी पर शक है क्या? इस एरिया में मुझे किसी पर शक नहीं। वैसे दुश्मन तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन संदेह किस पे करूं समझ नहीं आ रहा। कोई प्यार व्यार का चक्कर? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस गांव में प्यार करने वालों को मेरा पूरा सपोर्ट रहता है, फिर क्या मैं अपनी बेटी के प्यार को नहीं समझूंगा? अरे ये बात वो भी जानती है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते साहब। हाँ। ए जी साहब, तुम्हें उसका कुछ पता चला? नहीं चला। नहीं चला? नहीं चला। ठीक है, कहीं और ढूंढो। हाँ साहब जी। ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आराम से पहुँच गए ना? हाँ, मैं तो कब का पहुँच गया। संभल के रहना, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, याद है ना? आप तो मुझे जानते ही हैं, वो ढूंढते रहेंगे, मैं हाथ में आने वाला नहीं। आप चिंता मत करो। सुनो, तुम उस लड़की को लेकर बाहर ज्यादा मत घूमना। भाई मैं लड़की वड़की के पीछे नहीं घूमता, मेरे लिए तो जो कुछ भी है बस आप ही है। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, कोई जरूरी काम हो तो फोन करना, वरना मैं खुद फोन करूंगा। ठीक है भाई। ठीक है। प्रणव, रेडी हो? दीदी, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, दीदी, तुम कैसी हो? रो मत दीदी, तुम बहुत पतली हो गई हो। मैं खुश हूँ। दीदी रो मत ना, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने परिवार की इज्जत को ताक पर रखकर बाहर कर चली है। रो मत दीदी। पिताजी कैसे हैं?
वो ठीक है, पर तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है। तुम हमें भूल गई हो दीदी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? अगर बोली नहीं तो फोन क्यों नहीं किया? जाओ, मुझे माफ कर देना ऐश्वर्या। जानती हूँ इनके घर में बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे तुम लोगों को बिना बताए शादी करनी पड़ी। क्या हुआ? खैर ये सब छोड़ो, ये वही है जीजा जी। मेरे दीदी हमसे बहुत प्यार करती हैं। वो हमें छोड़ के आपके पास चली आई, तो सोचिए आपसे कितना प्यार करती होंगी। बाबू का नाम क्या है? प्रणव। प्रणव, प्रणव मेरे पास आओ बेटा, मेरे पास आओ। अभी स्कूल जाना है इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम इसे लेकर मंदिर जाना चाहते थे, अब तुम भी साथ चलना। चलोगी ना? चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, तुम आओ ना यहाँ पे, खूब मस्ती करेंगे, हम सब मिलके मस्ती करेंगे। तुमने खाना खाया? हाँ मैंने तो खा लिया। हाँ। फोन, मैं बात कर रही थी। हाँ, हाँ, हाँ बोलिए जीजा जी। हेलो पिताजी, पिताजी, पिताजी मुझसे बात नहीं करेंगे पिताजी, आपने मुझे माफ कर दिया ये नहीं कहेंगे पिताजी। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, सिर्फ इस बात का दुख है कि आपसे मिलके नहीं आ पाई पिताजी। पिताजी आपका नाती स्कूल जाने लगे है पिताजी, हमेशा आपके बारे में पूछता रहता है पिताजी, कब मुझे नाना जी से मिलाओगे यही पूछता रहता है पिताजी। पिताजी अभी ऐश्वर्या मेरे पास ही है, आपका नाती अपनी मौसी से हिल मिल गया है पिताजी। पिताजी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ पिताजी। पिताजी मैं आपको अपने घर का एड्रेस भेजती हूँ, घर आइए पिताजी। दीदी आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है बोलो ना। उसका एक कारण है। कारण बताओ ना क्या है? प्लीज 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 बाद में बताती हूँ, पहले मैं स्कूल जाकर प्रणव को लेकर आती हूँ फिर बताती हूँ। ओके दी, मैं घर में बोर हो रही हूँ, मैं जाके प्रणव को ले आऊँ? ये ठीक नहीं होगा, तुम इस शहर में नहीं हो, तुम घर में ही रहो। स्कूल पास नहीं तो है, मैं जानती हूँ, मैं जाके ले आती हूँ। प्लीज ना दीदी प्लीज। नहीं मेरी बहन तुम क्यों तकलीफ लोगी, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जीजा जी अकेले हैं, उनके लिए चाय कॉफी बनाओ, जाओ जाओ ना। ठीक है, तू बहुत जिद करती है पर संभाल के जाना। ठीक है बाय।
जल्दी आना। ठीक है दीदी। हेलो। बोल भाई। भाई एनकाउंटर ना हो जाए इस डर से मुझे बाहर भेजा। आज 5 साल हो गए, आखिर कब तक मुझे ऐसे यहाँ जिंदगी काटनी पड़ेगी। ए सुनो भाई, तुमने इतने साल इंतजार किया ना, वो बेकार नहीं गया। एसीपी का ट्रांसफर करवा दिया। सुपर वो भाई, सुपर। ए, तुम अभी उसे खत्म कर दो। भाई उसकी छोटी बहन भी यहीं पर है। ओ, वो अभी वहाँ है क्या? तो ऐसा करो, उसकी बहन को भी खत्म कर दो। इस पांडे को बड़ा गिफ्ट मिलना चाहिए। आपने कह दिया ना भाई, समझो काम हो गया। बहुत दिनों बाद शिकार करूंगा। ए महेंद्र पांडे, तूने मेरे सर पर गन रखी थी ना, अब देखना दो दो बेटियां होते हुए भी तुझे कैसे बेऔलाद करता हूँ। जय स्वामी आय नमः, ओम भगवान आय नमः, ओम पुत्र जय 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 नारायण। अरे तुम बोलो, कैसे आना हुआ? नेताजी आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। बिल्कुल सही समय पर आए हो, पूजा कर रहा था। हमेशा खुश रहो। नेताजी हाँ। आपको खीर बहुत पसंद है ना, मैं घर से लेकर आया। अरे वाह, हाँ लाओ लाओ, पिछली बार बहुत स्वादिष्ट थी। वाह वाह वाह, अच्छी खीर बनाना सबके बस की बात नहीं होती। मेरी दादी के बाद तुम्हारी पत्नी के हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद आती है। वाह, दिल से बना हो तो सब अच्छा लगता है। लाइए नेताजी। तुम सरकार के भरोसे के हो या नहीं, पर मेरे भरोसे के जरूर हो गए। अरे हाँ, तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम्हें कोई तोहफा देना पड़ेगा। आओ आओ। यहाँ वहाँ जहाँ भी देखिए, गांव की आधी जमीन आपने अपने नाम करवा ली। मैंने आपके हर उल्टे सीधे काम में साथ दिया है, लेकिन आप मेरी जमीन भी हथियाना चाहते हैं। तुम उस सरकारी बगीचे की बात कर रहे हो ना? ए, मुझे वो पसंद है, इसलिए दीवार खड़ी करने के लिए कहा। तुमने वो जमीन दीवान जी से हड़पी थी ना? हाँ ठीक है, मैंने उससे हड़पी थी, तो क्या हुआ, आप मुझसे हड़पेंगे क्या? ये कहाँ का न्याय है नेताजी, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया क्या? नहीं नेताजी, मैंने पहले ही उस जगह पर एक बंगले के लिए अप्रूवल ले लिया है और सबको एडवांस भी दे चुका हूँ। ये सब मुझसे मुझसे कमाया ना। अरे मैंने तेरे साथ हाथ क्या मिला लिया, तो तूने सोच लिया कि मैं तेरी गुलामी करता रहूंगा? तो मुझसे चालाकी करने चला था ना, मैंने तुझसे चालाकी की, इसीलिए मैंने तुझे जहर वाली खीर पिलाई। तू हार्डवेयर है तो मैं सॉफ्टवेयर, नहीं समझा ना? अगर तू पुलिस वालों से गुंडागिरी करेगा तो पुलिस वाले तुझे ऊपर पहुंचा देंगे, समझ गया? अब जाओ ऊपर। ए, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। गिफ्ट? एक जमीन खरीद रहा हूँ तुम्हारे नाम पर। ये किस लिए? मेरी इच्छा है, बस तुम साइन कर दो। मेरा नाम किस लिए? आप अपने नाम से लीजिए ना। मैंने फैसला कर लिया है, तुम सिर्फ साइन करो। ठीक है, आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं चुपचाप साइन कर ही देती हूँ। ये लीजिए, साइन कर दिया। ये क्या है, क्यों है, बिना पूछे ही साइन कर दिया तुमने? तुम बहुत भोली हो। तुम्हारे साइन करते ही मैंने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया और अब मैंने तुम पे यकीन किया। पिछले 5 साल से तुम्हें इंतजार कर रहा था मैं।
तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया? कहाँ जा रहे थे? मसाला नाम की फिल्म लगी है ना, वही देखने जा रहा हूँ। मसाला, ये कोई फिल्म का नाम है? अरे मंजुल ठाकुर की बहुत हिट भोजपुरी फिल्म है, वो तो रवि सिन्हा के अलावा किसी की जाना नहीं। चल जा। पेंसिल जैसी टांगों में पेंट पहन के जा रहा है। अरे खुद को देख ले, हाथी भी शर्ट पहन के खड़ा। क्या बात है दोस्त, आज बहुत खुश लग रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया इसीलिए खुश हूँ। ये सब किसके कारण हो जानते हो? तुम्हारे घर में जो लड़की आई ना बच्चे के साथ, उसकी वजह से। उस लड़की को ये सब कैसे पता चला? मैंने बताया उसे। तुझे मना किया था ना? देख दोस्त, तुझे मारना है तो और मार ले मुझे। तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं कर रही थी, ये सोचकर सबसे ज्यादा दुखी वही थी, उसी ने माँ को समझाया। क्या यार तू? और मार ले भाई, पीछे देखो वही आ रही है। हे, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? माँ ने पूजा का सामान लाने के लिए कहा था, उसी के लिए जा रहे हैं। ठीक है जाओ। और थैंक्स। कलरफुल साड़ी, पेटीकोट। कैसी हो भाभी जी? आओ शंभू, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपके लिए कांजीवरम सिल्क, बनारसी सिल्क, कोल्हापुरी सिल्क सब देखा, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं सब तरफ से ढूंढकर आपके लिए मशरूम सिल्क लेकर आया हूँ। ये मशरूम सिल्क क्या होता है? आज आपके लिए लाया हूँ, आपको मशरूम सिल्क बहुत पसंद आएगा। आप खुश हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी कौन सी साड़ी लाया? दिखाओ तो। पता नहीं क्यों मैं आपके बारे में सोचकर आपके लिए अच्छी साड़ी लाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिखाओ। ये लो देखो, आपके ऊपर बहुत जमेगी। अरे ये क्या है? इसमें तो होल ही होल दिखाई दे रहा है। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आजकल फैशन का जमाना है, नया पैटर्न है, ये है ना मॉडर्न ड्रेस है। आजकल औरतों को होल वाली साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। आपका पति ही नहीं, पूरे गांव के लोग आपको देखकर राहें भरेंगे और आपके बदन को ठंडी हवा भी लगेगी। अगर मैंने ऐसी साड़ी पहनी ना तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। घर से भगा देगा? मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरे उन्हें मार दोगे तो मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना। तुम तो किसी काम के नहीं हो। तुमसे क्या होगा? किसने बताया? इसने कहा। क्यों रे, मेरे बारे में झूठ बोलता है? पर मेरे साथ हालात में ना कर दे। कितनी अच्छी साड़ी लाया हूँ, ले लो ना भाभी माल। क्यों भैया, मैं ये साड़ी पहनकर अपना बदन दिखाती फिरूँ? हाँ, और ऊपर से तुम मेरे पति को भी मार डाल। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस गांव में साड़ियाँ बेचने आते हो या औरतों के साथ मस्ती करने के लिए आते हो? ये झाड़ू से मारूंगी, दोबारा दिखाई दिया तो। हाँ सुबह सुबह। अरे मेरी कंपनी की साइकिल तो वहीं पर रह गई। साइकिल ले आओ। Hey, क्या हुआ, वो टिंकू नहीं दिखाई दे रहा सुबह से? पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने भी उसे सुबह से देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है। क्या है निकल? मैं तो ऐसे ही आया था, मैं जा रहा हूँ भाई। अबे पागल है क्या, इस लड़की के कहने पे तू चला जाएगा? अपनी दोस्ती में लड़की कहाँ से आ गई? जाना यार, तू जाना या ये लड़की जाने, मैं चलता हूँ। दोनों मिलकर मुझे डांटते रहते हो, मैं चलता हूँ यार। जाने दोनों उसे, मैं हूँ ना बाबा, मैं तुम्हारे ऊपर एक धूल तक नहीं पड़ने दूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। तू ध्यान रखे। ओफो, तुम गुस्सा क्यों करते हो बाबा?
आज तो तुम बड़े जज रहे हो। बाप रे, इसके पिताजी फंस गए। क्या करूं, तेरे को शर्म है कि नहीं? हमेशा उस लक्ष्मी दीदी के बेटे के पीछे पड़ी रहती है। जानती भी है गाँव वाले क्या कहते हैं। तेरे कारण गाँव वालों के सामने सर उठा के नहीं चल पा रहा हूँ मैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, जो ये जय है ना, किसी और लड़की के चक्कर में पड़ के मेरा और तुम्हारा दोनों का मुंह काला कर देगा वो, समझी ना? मेरा जय मुझे कभी धोखा नहीं देगा बाबा। इतनी बार समझाने के बाद भी नहीं समझती। इकलौती बेटी हो, तुम्हारी शादी धूमधाम से कराना चाहता हूँ मैं, लेकिन तुम हो ना, जाओ यहाँ से। मालिक, आपने भी छोटी सी बात बच्ची को डांट दिया। हम सब जवानी में छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं। पागल कहीं के, रात भर जय जय कहती रहती है, मैंने सुना है ये। एक लड़की का बाप भी ये तकलीफ समझ सकता है, चल। क्या भगवान, मेरे दोस्त की इतनी प्यारी लड़की थी, मुझे ऐसा चांस मिलता तो कभी मिस ही नहीं करता। यहाँ चिपकने के लिए कोई है क्या? अरे आओ माला, आओ, कैसी हो? क्या बात है किस्मत? अरे मेरे तो नाम में ही किस्मत जुड़ा है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? ए, तुम तो प्यार में पागल होके जय के पीछे आई लव यू कहके घूमती रहती हो, लेकिन जय के घर में एक लड़की आई है बच्चे के साथ। पता है? वो और कोई नहीं है, वो जय के कोई मुंह बोले मामा की लड़की है। वो अपने साथ एक बच्चा लाई है। अब वो उसकी बहन तो है नहीं, तो सोचो क्या होगी। ओ, ऐसा है क्या? तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कितनी भोली हो माला, तुम तो जय के प्यार में पागल हो, जय तो उसके प्यार में पागल है, और मैंने ये भी सुना है कि दोनों की शादी होने वाली है। मेरा जय ऐसा कभी नहीं करेगा। ये बात तुम्हारे पिताजी भी जानते हैं, तुम्हारी माताजी भी जानती है, पूरे गांव वाले जानते हैं। अब तो मुझे भी पता चल गई है, वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है, क्योंकि उसे तुमसे सुंदर लड़की मिल गई है, वो उसके साथ घूम रहा है, तुमसे क्यों शादी करेगा? अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। जय, तूने मेरी धोती उतार के मुझे नंगा किया था ना, अब देख मैं तुझे पूरे गांव के सामने कैसे नंगा करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ कहो। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप कहाँ तक पढ़ी हैं? बीएससी कंप्यूटर साइंस। ओह, वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। आपके गांव में भी ऐसा मौसम होता है? हाँ, अब यहाँ जैसा है वैसा वहाँ भी होगा। नाश्ता किया आपने? हम दोनों ने साथ में किया ना। दिमाग खराब है क्या मेरा? मैं क्या पूछ रहा हूँ इससे? आपके पिताजी अगर घर गए तो आप भी उनके साथ चली जाएंगी? हाँ, मैं भी चली जाऊंगी। यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय, वैसे तुम्हारा अफेयर कहाँ तक पहुँचा? अफेयर? हाँ। मेरा? ना ना, मेरा अफेयर किसी से नहीं चल रहा। जानती हूँ जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अरे आंटी। माँ, कहाँ पे? मजाक किया मैंने। मेरा मजाक उड़ा रही थी, देख लेना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो अपना नया घर तैयार हो गया, हम वहाँ कब चल रहे हैं? इस घर में तेरे पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम जानते हो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है, इसने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या बोल रहा है? इससे क्या पूछोगे? नहीं मां, क्या पूछोगे इससे? तुम पूछना है तो मेरी बेटी से पूछो, इसकी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है। घर जाके इस पे याद उठा रहे हो? तुम कौन है? इसका मामा हूँ मैं, पूछूंगा। मुंह बोले मामा किसे ही पूछ लो। देखे तुम्हारे जैसे कोई भी लड़की इतना बड़ा इल्जाम ऐसे ही किसी पे नहीं लगा सकती है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा।
अगर हमारी शादी हुई ना तो मैं खुश रह पाऊंगा और ना ही तुम रह पाओगी, लेकिन फिर भी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक मिनट रुको बेटा, मेरी बात तो सुनो। तो वो बेटा तो मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं तो भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। अरे तो सुनो, तो वैसे ही खराब हो गई है। सुनो आओ मत बेटी, बताओ हटो, बताओ सच्चाई, हां सच्चाई है, हटो। जय जय जय, मेरी बात तो मान। रुको ना बेटा, रुक जाओ। मां क्या कर रहे हो तुम? क्यों, अब क्या हो गया? क्या हुआ, क्यों नहीं पहले मंगलसूत्र? चाचा जी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। धोखा दिया मुझे, धोखा दिया। जरा एक मिनट सुनना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फालतू में एक बेचारी लड़की की जिंदगी खराब कर दी तुमने। सुनो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की? तो वो लड़की जो कह रही थी कि उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है, वो क्या है? तुमने देखा ना, उस लड़की ने जो भी कुछ कहा वो सब झूठ था। आप जिसे पसंद करते हैं और कोई आपसे प्यार करता है, अगर शादी उसी से करेंगे जिंदगी ज्यादा खुशहाल रहेगी, ऐसा हमारे एक सुपरस्टार ने कहा था। ऐसी बात नहीं है, शादी करने के लिए अगर एक तैयार हो तो जिंदगी सुख से नहीं कटती, अगर दोनों शादी करने के लिए तैयार हो तो जिंदगी सुख से गुजरेगी, और ये किसी और ने नहीं, मैंने कहा है। तुम तो बातें बड़ी अच्छी करते हो, इसी तरह बातें करके उस लड़की को फंसाया था ना। कितनी भी अच्छी बातें कर लो, ये घुमा फिरा के वहीं आ जाती है। ठीक है, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। सुनो एक मिनट, तुमसे क्या है? अपने बारे में बात कर रही है। तुम्हारे बारे में? कल हम कहीं पे मिल सकते हैं क्या? कहाँ मिलना है? जहाँ तुम कहो वहाँ पे। ठीक है, बताती हूँ। सॉरी, आ गए? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं तो बहुत पहले ही आ गई थी। वैसे हमारा गांव बहुत सुंदर है ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। तुम 2-3 बार मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे पर बिना कहे ही चले गए, क्या बात है बोलो ना। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैंने कुछ कहा तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा, मैं बुरा मान जाऊँ? ऐसा तो कुछ नहीं कहने वाले हो ना तुम। खैर कोई बात नहीं, बोलो। देखो, मैं इस बात को ज्यादा टाइम तक दिल में नहीं रख सकता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या, मुझसे प्यार करते हो? क्या हुआ? हेलो हेलो, अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ कह दो, नहीं तो ना कर दो, लेकिन इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सॉरी सॉरी सॉरी, वो बात यह है कि मैं पिछले 4 साल से किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। I'm very sorry. ये बात है, sorry. शायद मैंने ही गलती कर दी है, मैं चलता हूँ।
मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन मैं नहीं। ये सब जान के तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची होगी ना, मुझसे गलती हो गई। अगर हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं लेकिन वो नहीं करता तो दिल पे क्या गुजरती है, ये मुझे समझ आ गया है। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारे दर्द और तकलीफ का आज मुझे पता चला है। तुम इस दर्द को अकेली ही इतने दिनों तक झेलती रही और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मुझे माफ कर दो, मैं इस तकलीफ को दो दिन नहीं झेल पाया। इसमें ना तो मेरी गलती है और ना ही तुम्हारी। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन गलतियां भी तो इंसान से ही होती है ना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आगे का फैसला तुम्हारे हाथ में, मैं चलता हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। जय, क्या बात है भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं, लीजिए खा लीजिए। नहीं बहन। ये क्या भाई साहब, कई दिनों से आपने ठीक से खाना नहीं खाया। नहीं मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया मैंने। नहीं आप परेशान तो हैं, मेरी एक गलती की वजह से कई साल तक हमारा परिवार बिखर गया था। अब जाके सब ठीक हुआ है, अब मैं चाहती हूँ कि ये परिवार हमेशा खुश रहे। बहन तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ करो। वो क्या है कि इतना संकोच मत करो, बोलो। क्या आप मेरे बेटे को दामाद बनाएंगे? तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी तो यही सोच रहा था। एक बार अपनी बेटी से पूछ लो, बोलो बेटी तुम क्या चाहती हो। बेटा तुझे मंजूर तो है ना? आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। वो तुम ही थे लक्ष्मी। हाँ माँ। कल से अंदर लेकर जा बेटा, पानी नहीं आ रहा है। हाँ ले जाती हूँ माँ। क्या हुआ भाई साहब, अब भी आप उदास हैं? मुझे तुम्हारी भी चिंता हो रही है। चार लोगों को इडली बनाकर खिला दूंगी तो जिंदगी कट जाएगी। बचपन से देखा है तुम्हें, लेकिन इस गांव में आके कितनी तकलीफें उठाई है तुमने। एक काम करो, वापस अपने गांव चलो, हम सब है ना वहाँ। नहीं भाई साहब, जब से मैं शादी करके आई हूँ इसी गांव में रह रही हूँ। इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी हुई है, मैं आखिरी सांस तक यही रहूंगी। ये भी कोई जिंदगी है? भाई बहन रिश्तेदार सब साथ रहने चाहिए। तुम ही बताओ कैसा लगेगा, तुम यहाँ मैं वहाँ, चलो सब साथ मिलके रहेंगे। नहीं मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। तुम तो मेरी बात मान ही नहीं रही। ठीक है मैं निकलता हूँ। अरे भाई साहब, चार दिन बाद मंदिर में बड़ी पूजा है, चार दिन रुक कर पूजा देख कर जाइए ना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे कहने पे चार दिन यहाँ पूजा के लिए रुक जाता हूँ। ठीक है भाई साहब। भाई साहब खाना खा लेते तो? एक मिनट, एक जरूरी काम है। हाँ जी हाँ 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 बोलिए बोलिए। अरे ये क्या हो गया, कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। मंदिर में अभिषेक शुरू हो जाएगा, अरे जल्दी आओ भाई। हाँ भाई। और से देखो इस फोटो में जो लड़की है, इसे जानते हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ, ऐश्वर्या नाम है इसका। वो इडली वाली दीदी और जय के घर में रहती है। अभी वो लोग कार्तिक मंदिर में पूजा करने के लिए गए। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उस मधुकर पांडे को पूरे परिवार के साथ उठा। ए, गाड़ी मोड़ और तुरंत कार्तिक मंदिर चल, जल्दी चल। उसके पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं।
दादी यही होनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई साहब, ले बेटा समझ तो चलो। हाँ आराम से उतर। शादी होने वाली है। हाँ बाबा मैं जानती हूँ। यार इनके पापा को कुछ गुंडे मार रहे हैं वहाँ पर। क्या बात कर रहा था? चल जल्दी। Let's go.